नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता मित्तल। बात करते हैं आज हम पश्चिम बंगाल की राजनीति की। बंगाल में इन दिनों ममता और मोदी की दोस्ती की चर्चा चल रही है, जो सुनकर आपको असंभव लगता होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये भ्रम फैलाया जा रहा है, जिससे बंगाल में भाजपा को नुकसान पहुंच रहा है। हालात ये हैं कि सीबीआई लगातार तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रही है। विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाया गया था, जिसमें से ज्यादातर भाजपा के समर्थक थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच किसी तरह की साठगांठ की बात कहां रह जाती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता ने इस तरह की किसी भी मूर्खतापूर्ण अफवाह को पूरी तरह से खारिज किया है। हालांकि बंगाल में ऐसा मानने वालों की कमी भी नहीं है, जिन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं। बंगाल में जब खूनी जंग छिड़ी हुई थी, तब की बात कर रहे हैं, जब चुनाव थे, तब भाजपा ने समुचित प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी थी। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कई पदाधिकारियों के खिलाफ चिटफंड मामले के केस लंबित हैं, लेकिन किसी को सजा हो नहीं पाई है। बंगाल के लोग पश्चिम बंगाल के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को पकड़ने में केंद्रीय एजेंसियों की विफलता को अभी तक भूले नहीं है, जबकि पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता अपनी कार पर हमले के डर से एयर कंडीशन्ड कमरों से बाहर नहीं निकले। हालांकि चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने ममता और तृणमूल के खिलाफ बहुत आग उगली थी, लेकिन बंगाल के लोगों को ये लगता है कि भाजपा ने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहने की खुली छूट दे रखी है। हालांकि वो शुभेंदु अधिकारी के हाथों नंदीग्राम की अपनी सीट बचा नहीं पाई थी। लोगों का मानना है कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के निर्देश पर ही 30 सितंबर तक चुनाव स्थगित रखा, जिससे कि ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आंच नहीं आए। हालांकि संवैधानिक मर्यादाओं को ध्यान रखते हुए पीएम मोदी ने 5 जनवरी को ममता बनर्जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, लेकिन उसी दिन भाजपा कार्यकर्ता सुब्रत ज्योति घोष की हत्या तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने कर दी। ममता मोदी के बीच साठगांठ की अफवाह बंगाल के कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के बीच ज्यादा है। इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि चुनाव के बाद की हिंसा में तृणमूल कांग्रेस के गुंडों और भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ भाजपा बहुत ज्यादा मुखर रही नहीं है, जिसकी वजह से भाजपा के लोगों में अपनी पार्टी के खिलाफ अविश्वास पैदा हो रहा है। भगवा पार्टी को अपने लोगों का भरोसा अब जीतना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि भाजपा विधायक और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरे हैं, जो राज्य से जुड़े मुद्दों पर सीधी प्रतिक्रिया अपनी देते हैं और जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। शुभेंदु ने ममता बनर्जी के तानाशाही रवैये का विरोध और हिंदू मामलों की पुरजोर वकालत छोड़ी नहीं अभी। फिर भी चुनाव बाद की हिंसा और दुर्गा पूजा के दौरान हिंसा की आशंका से पूरे राज्य की हिंदू जनता चिंतित है। हम खबरों को एक खास नजरिए से आपके लिए पेश करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।